प्रधान, तुम्हारा रूम उस तरफ है। जाओ वरदान। सात आठ मिनट ही बचे, मुझे किसी भी तरह अपू को कमरे से बाहर निकालना होगा कि मले उसका असली रूप देख सके। इतनी मोहब्बत करूँ ना मैं डूब ना जाऊं कहीं, वापस किनारे पे आना मैं भूल तुम ठीक हो कहीं, देखा जब से चेहरा तेरा मैं तो से सोया नहीं। बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं। बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं। किसी से कहूँगा नहीं। मुझसे दूर जाने की सोचना भी मत। प्रधान, तुम जानती हो कि मैं इतने दिनों से तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, पर हमेशा कोई ना कोई हमारे बीच में आ जाता है। मैंने अपनी बात लिखकर लेटर ड्रॉअर में रख दिया है, पर तुमने अपनी बात अभी तक नहीं कही है। देखो वरदान, मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझसे कुछ कहना चाहती हो, पर कह नहीं पा रही हो। अब हम दोनों यहाँ हैं, बोलो। सिद्धार्थ, listen to me, यश जोकर है। सिद्धार्थ, तुम यहाँ कैसे आए? सिद्धार्थ मेरी बात सुनो रोशनी, यश ही जोकर। Listen to me, damn it, यश इज द जोकर। मेरे पास वक्त नहीं है। सिद्धार्थ तुम क्या बोल रहे हो? यश मेरा बेस्ट फ्रेंड है सिद्धार्थ, वो मेरे बचपन का फ्रेंड है। How could it be? और तुम कोमा में थे ना, तो ये सब पास वक्त नहीं है। वो सब एक नाटक था, इसलिए क्योंकि मैं चाहता था कि जोकर मेरे पास है और अपनी सच्चाई मेरे सामने रिवील करे, और वही हुआ। और यश इज द ब्लडी जोकर। हमारे परिवार के साथ अब तक जो कुछ भी हुआ है, तुम्हारे ऊपर जानलेवा हमले, आयशा की किडनैपिंग, सासू मॉम के ऊपर हमले, everything has been done by him। प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो, इसके बाद मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगी। प्लीज प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो। भगवान को याद किया और शैतान हाजिर, और वो इसलिए क्योंकि मुझे मेरा बदला लेने से भगवान भी नहीं रोक सकता। प्लीज मुझे मत मारो। देखो मैंने थोड़ी ना तुम्हें मारा। तुम्हें बदला ही लेना ना, तो तुम निखिल से बदला लो, उसी ने तुम्हें मारा। मुझे मार के तुम्हें क्या मिलेगा? मुझे मत मारो प्लीज। नहीं नहीं, खून खून के बदले कौन? पर माँ साहब, हम सब तो इसी घर के हैं, तो फिर हम परी और सत्तू को अलग करना क्यों चाहेंगे? हो ना हो, इन सब में इसी लड़की का हाथ है। झूठ जितना बड़ा हो सफाई भी उतनी बड़ी हो जाती है। छाया, तुझे कोई परहेज है क्या इन दस्तानों को पहनने से? नहीं नहीं माँ साहब, हम कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं। जो मैंने बोल दिया तो बोल दिया। ये दस्ताने सबको पहन के दिखाने होंगे। तो नंदिता ही थी माँ जिसने मेरे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया, तो उसका अंत भी आपको निश्चित करना है। जिस तरह इन पापियों का विनाश किया है आपने, उसी तरह नंदिता का भी आज ही विनाश हो जाएगा।